सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन देखने के लिए ऑटो एंड टेक वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए ऑल न्यू होंडा सीबी हॉर्नेट 160R का जो ABS एडिशन का रिव्यू आप लोग करने के लिए बोल रहे थे उसी का ये दोस्तों आप एक्चुअल शोरूम लोग देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों साइड्स में शॉर्ट्स में भी आपको इस बाइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो वीडियो एंड पूरा एंड तक देखिएगा। साथ में इन केस आपको अगर लगता है कि मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कंपनी का लिंक, वहाँ जाके आप इस बाइक के बारे में और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइक के कार या बाइक के फ्रंट से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले इसका जो पूरा फ्रंट लुक है, जो सबसे बड़ा चेंज है यहाँ पे वो आप देख रहे हैं, जो इसमें आपको LED पूरा हेडलैम्प मिलता है, बहुत उम्दा लगता है, बहुत ही एक इसको रोबोटिक लुक देता है फ्रंट से। ये आपको दोस्तों कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, अभी इसको मैं आपको ऑन करके भी दिखा दूंगा। नीचे बात करते हैं इसके व्हील्स की, तो पहले वो देख लेते हैं। तो आपको इसमें अलॉय व्हील्स अवेलेबल हैं, जो डिस्क ब्रेक है वो भी आपको इसमें मिलता है फ्रंट व्हील में, पीछे वाला आपको इसमें जो ब्रेक है वो ड्रम मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। ऊपर आप यहाँ पे देखते हैं जो इसकी वजह से ये वीडियो बन रहा है, तो ये ABS एडिशन है हॉर्नेट 160R 2018 का जो स्पेशल एडिशन है, तो इसकी आपको जो ब्रांडिंग है जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर अवेलेबल है। आ गए हैं दोस्तों बाइक के साइड में, तो इधर से भी आप पूरा इसका एक लुक ले लीजिए तो आपको अच्छे से पूरे इसके डिज़ाइन का पैटर्न्स का आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सीबी हॉर्नेट 160R की जो इन्फॉर्मेशन है, जो ब्रांडिंग है वो अवेलेबल है, स्टिकर फॉर्म में दी गई है। जो पूरा आप ग्राफिक वर्क देख रहे हैं साइड्स में, जो टैंक तक कैरी किया गया है पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, बहुत उम्दा लग रहा है, कॉम्पैक्ट है पहले से। यहाँ पे आप देखते हैं जो हॉर्नेट और जो स्पेशल एडिशन इसका, जैसे मैंने आपको बताया अभी, वो उसकी पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो होंडा का आपका जो ब्रांडिंग है पूरा आपको क्रोम में दिया गया है, जो उसको बहुत हाई एंड लुक देता है, बहुत अच्छा और बहुत ही माचो लुक देता है। जो पूरे ये फ्यूल टैंक के एक्सटेंशन है वो आप देख रहे हैं काफ़ी नीचे तक कैरी किए गए हैं, जो उसको बहुत ही एक रगेड फील दे रहे हैं, स्पोर्टी फील दे रहे हैं। इंजन कंपार्टमेंट की दोस्तों बात करते हैं तो पूरा आपको ये ब्लैक फिनिश पे दिया गया है, सिंगल फिनिश पे दिया गया जैसे आप देख सकते हैं। डिटेलिंग की बात करते हैं तो साइड्स में जो पूरे प्लास्टिक इंसर्ट हैं यहाँ पे आपको जो HET BS4 की इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। साथ में जो ये कार्बन फाइबर ऐसा फिनिश दिया गया साइड में, इसको बहुत ही उम्दा लुक देता है, बहुत अच्छा लुक देता है। ये जो पूरा इसका साइड है, जो ग्राफिक वर्क है नई हॉर्नेट में, ये आपको कैसा लग रहा है ज़रूर अपना जो सोचना है शेयर करिएगा। अब चलते हैं दोस्तों पीछे वाला व्हील्स भी आपको दिखा देते हैं, व्हील भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ड्रम ब्रेक है वो अवेलेबल है, अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं MRF केस में, जैसे मैंने आपको आगे बता दिया था कि आपको इसमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। इधर आप इसका जो एग्जॉस्ट है वो देख रहे हैं, तो काफ़ी स्पोर्टी दिया गया है। ऊपर जो आपकी प्लेट है डार्क सिल्वर फिनिश में मिलती है, जो बहुत ही इसको बढ़िया लुक देती है, अच्छा लुक देती है। चलेंगे दोस्तों बाइक के पीछे, तो पीछे से भी इसका पूरा एक लुक ले लीजिए। अभी मैं इसको ऑन करके भी आपको इसकी ब्रेक लाइट दिखा दूंगा, तो आपको अच्छे से इसकी फंक्शनिंग दिख जाएगी। यहाँ पे आप देखते हैं जो आपका गार्ड है वो आपको अवेलेबल है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। पीछे से भी, इस साइड से भी आपको इसका एक कंप्लीट लुक दे देता हूँ, तो इधर से भी आपको अच्छे से पूरा लुक मिल जाएगा बाइक का। इंजन के पास के एरिया मैंने आपको दिखा दिया है। जो आपका फ्यूल स्विच है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको रिजर्व और मेन में आपको जब चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब चलेंगे दोस्तों एक पहले ऊपर से लुक दे देते हैं बाइक का, तो यहाँ पे आप देखते हैं जो आपके पिलियन के लिए ग्रैब हैंडल है आपको बाइफर्केटेड वे में मिलते हैं। जो सीटिंग है काफ़ी ब्रॉडेंड मिलती है। जो लोग इस गाड़ी को चला रहे हैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों कि आपको इसकी सीटिंग कैसी लगती है, बोले वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। पिलियन के लिए जो सीट है वो काफ़ी हाइटेड अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पर चलेंगे दोस्तों आगे की तरफ, तो जो पूरा इसका फ्यूल टैंक है आप देख रहे हैं काफ़ी ब्रॉडेंड पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो दिया गया है, काफ़ी ह्यूमंगस लगता है। जो पूरा ये कार्बन फाइबर ऐसा जो फिनिश यहाँ पे कैरी किया गया है, जो प्लास्टिक पे दिया गया है, बहुत अच्छा लुक दे रहा है इसका। जो पूरा ये बम्प है यहाँ पर, राइडिंग पोजिशन आपको बहुत बढ़िया मिलेगी, क्योंकि आपको काफ़ी यहाँ पर बम्पी जो फ्यूल टैंक है वो आपको अवेलेबल है यहाँ पर। अब चलते हैं दोस्तों इसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो दिखा देते हैं, तो जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं। ये आपको ब्लू लाइट पे मिलता है, जो आपका फ्यूल गेज है, RPM मीटर है, स्पीडोमीटर है, डिजिटल क्लॉक है, किलोमीटर्स ट्रैवल्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है जैसे आप देख सकते हो। बाकी साइड्स में आपको यहाँ पे पूरी बॉर्डरिंग्स मिल जाती हैं। ये आप देख रहे हैं जो आपकी एडजस्टमेंट बटन्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं, ये आप इसको यूज़ करके इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर आपकी जो ABS की लाइट है वो आपको दिख रही है, बाकी जो नॉर्मल सिग्नलिंग है, हाई बीम इंडिकेटर वगैरह की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हैंडल्स की दोस्तों बात करते हैं अगर, तो आपका जो पास लाइट हो गया, हाई बीम लो बीम हो गया, टर्न इंडिकेटर्स हो गए, हॉर्न हो गया, इधर आपका जो हैजार्ड लाइट बटन है और जो आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो आपको मिल जाता है।
अब दोस्तों मैंने जो बाइक है अभी वो ऑन कर दी है, तो आप जो इसका LED DRL है आगे से वो देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से पूरा इसके फंक्शनिंग का आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों अब बाइक को ऑन कर लेते हैं और जिसका LED हेडलैम्प है, मेन हेडलैम्प है, उसको भी आपको दिखा देते हैं कि उसको आपको विजिबिलिटी कैसी मिलती है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं जो इसका LED हेडलैम्प है वो ऑन हो गया है। यहाँ पे आप इसकी पूरी फंक्शनिंग देख सकते हैं, तो बहुत बढ़िया आपको विजिबिलिटी मिलेगी। साथ में जो आपका LED DRL है वो मैंने आपको दिखा दिया था। चलते हैं दोस्तों पीछे बाइक के, और जो पीछे से जो इसकी ब्रेक लाइट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि अभी मैं ऑन करके आपको शो कर दूँगा, ये आप देख सकते हो एक्स शेप में दी गई है, काफ़ी उम्दा लगती है। जो इसकी हैजार्ड लाइट है उसको भी मैं ऑन करके जो इसकी फंक्शनिंग है वो आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं जो आपके चारों इंडिकेटर हैं वो ऑन हो गए हैं, तो ये आपको इसमें अच्छी फंक्शनैलिटी मिल जाती है। अभी आपको जनरली ये सब बाइक्स में अवेलेबल नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं पूरा पीछे तक। इसके अलावा दोस्तों चलेंगे आगे फिर से और इसको बंद कर देते हैं। जो इसके रियर व्यू मिरर हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये आपको पूरे डस्की ब्लैक फिनिश पे दिए जाते हैं जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, तो बाइक की जो ओवरऑल जो मैचिंग है काफ़ी बढ़िया हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेरी है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, उसको भी मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा जैसे मैं हमेशा अपने हर वीडियो में करता हूँ। दोस्तों इस तब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोस आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।